सो वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे, वेल होंगे, गुड होंगे। एंड देखो, जितने भी पार्टनर्स इस मीटिंग के अंदर अभी लाइव हैं, आप इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट लें, एंड जिसने भी आपको इस मीटिंग के बारे में बताया है, जिसने भी आपको ये मीटिंग का लिंक शेयर किया है, उनको आप सेंड करें, ताकि वहां पे आपकी एक अटेंडेंस लग जाए, जिससे उन्हें ये लग सके कि आप इस मीटिंग को प्रॉपर अटेंड कर रहे हैं, अटेंड करने जा रहे हैं। तो जल्दी से ये एक्टिविटी फास्ट करें, विद इन फ्यू सेकेंड्स हम इस मीटिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड देखो, सबसे मेन चीज, अगर आप मेरी इस ट्रेनिंग के अंदर आए हो, अगर आप इस मीटिंग के अंदर आए हो, तो मेरा क्या मोटिव रहेगा कि इस 30 to 40 मिनट के सेशन के अंदर मैं आपको इतना कुछ सिखा दूं जिससे आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओ। है ना, किसी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको सक्सेसफुल लोगों के साथ रहना पड़ेगा, सक्सेसफुल लोगों की माहौल में रहना पड़ेगा, सक्सेसफुल लोगों के इन्वायरमेंट में रहना पड़ेगा, उनकी बातें सुननी पड़ेंगी, उनकी बातें इंप्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी, उनकी बातें ही एक्शन में लेके आनी पड़ेगी। यू नो व्हाट, इंडिया के अंदर बेरोजगार लोग क्यों हैं? सबसे मेन रीजन क्या है? सबसे मेन रीजन यही है कि वो बेरोजगार लोगों के साथ रहते हैं। समझ पाए इस बात को? अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको सक्सेसफुल लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, आपको सक्सेसफुल लोगों के साथ रहना पड़ेगा, आपको सक्सेसफुल लोगों की बताए हुए फंडामेंटल्स को अपने लाइफ में कॉपी करना पड़ेगा, जिससे आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाए। राइट? तो देखो, सबसे मेन चीज, इस मीटिंग के अंदर आपको मैं अपने जर्नी के बारे में बताऊंगा कि मैं यहाँ पे क्यों सक्सेसफुल हुआ। काफी सारे पर्सन है ना यहाँ पे इस बिजनेस को सेकंड चांस मान रहे होंगे, या इग्नोर कर रहे होंगे, या सीरियस नहीं ले रहे होंगे, या सोच रहे होंगे मैं तो ऑनलाइन काम है, क्या पता ट्रस्ट वर्दी है या नहीं है, विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करियर के तौर पे इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। काफी सारे पर्सन के डाउट्स हैं, है ना, इस मीटिंग के अंदर इतने पर्सन, काफी सारे पर्सन के डाउट्स एंड कंफ्यूजन होते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आपने इस 40 मिनट के सेशन को अच्छे से सुन लिया, ध्यान से सुन लिया, फोकस्ड होके सुन लिया, क्योंकि देखो माइंड है ना एक पैराशूट की तरह होता है, ये तभी काम करेगा जब आप फोकस्ड होके इसको सुनोगे। क्योंकि अगर एक घाटी से, ऊंची घाटी से आप छलांग लगाते हो, पैराशूट बांध रखा है, बट आप उसको खोलो ना तो आप मर जाएंगे। ऐसे ही आप सुन तो रहे हो, बट अगर उससे उसको आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, उसको आप अच्छे से ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तब तक इस मीटिंग का कोई फायदा नहीं है, एंड इस मीटिंग के अंदर आने का कोई फायदा नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट करने जा रहे हैं। तो इस मीटिंग के अंदर वही रहें जो इस मीटिंग को लास्ट तक, सेशन को अटेंड करेंगे, लास्ट तक सुनेंगे, अच्छे से लर्न करेंगे चीजों को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दिस साइड अमित जांगड़ा, यंगेस्ट डिजिटल एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया, एंड लगभग 2 ईयर्स हो चुके हैं मुझे इस बिजनेस के अंदर, इस 2023 के अंदर। एंड बात करूं तो देखो, 2 साल के अंदर मैंने यहाँ से बहुत कुछ अचीव किया, बहुत कुछ स्ट्रगल हुआ, बहुत कुछ मैंने यहाँ से सीखा समझा, और अभी लाइफ अच्छी चल रही है। एंड आज मेरी एज 22 साल है। तो सबसे पहले चीज देखो, मैं थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में आपको बता देता हूँ। काफी सारे पर्सन न्यू आते हैं तो वो सोचते हैं अपने माइंड में कि मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, काफी सारे पर्सन से कन्फ्यूजन होते हैं। देखो, बैकग्राउंड की बात हो तो मैं भिवानी, हरियाणा के एक छोटे से गाँव संडवा से मैं बिलोंग करता हूँ। पापा मेरे फार्मर हैं, क्योंकि काफी सारे पर्सन ये सोचते हैं ना, मैं गाँव से हूँ सर, मेरे फैमिली पुअर क्लास है, मिडिल क्लास है। तो सेम टू सेम, मेरे पापा भी फार्मर हैं। तो स्टार्टिंग कैसे हुई, इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया, क्यों सब कुछ छोड़ के मैंने इसके ऊपर फोकस किया? तो देखो, हर किसी के ना सपने होते हैं लाइफ में, आपके भी हैं, आपके पापा के भी हैं, आपके दादा दादी के भी हैं, बट क्या है, वो दब चुके हैं। दब क्यों चुके हैं? क्योंकि उनकी आस खत्म हो चुकी है। सपने पूरे होने की आस कैसे उत्पन्न होती है, कैसे अपनी ओपन होती है? जब हमें कोई ऐसी चीज मिले, या ऐसी प्लेटफॉर्म, या ऐसा ट्रैक मिले जिसके ऊपर चल के हम सपने पूरे कर पाए। तो आपके पेरेंट्स और जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो क्यों अपने सपने खत्म कर चुके हैं? क्योंकि उनके पास कोई होप नहीं है कि यार, अगर मैं सपने जो सोच रहा हूँ वो पूरे ही नहीं हो सकते, तो मैं सोचू क्यों? और जब मैं ही पूरे नहीं कर सकता, तो अपने बच्चों को क्यों बताऊं? इसीलिए हमारी मिडिल क्लास फैमिली में ड्रीम्स की बात नहीं होती, बट हर किसी का ड्रीम्स होते हैं। ऐसे ही मेरे भी आज से 2 साल पहले कुछ सोचा था लाइफ में, कुछ बढ़िया करना है, क्योंकि अगर जो फैमिली ही बोलती रही वही करेंगे, तो हमें वही मिलेगा जो फैमिली को मिला है। अगर हम डिफरेंट करेंगे तो हमें डिफरेंट मिलेगा। राइट? सपने बड़े थे, बट क्या थी, प्लेटफॉर्म की नीड थी।
ट्वेल्थ के बाद नॉन मेडिकल से की जिम्मेवार इतनी थी फैमिली के ऊपर कि उनको सपोर्ट करना था, तो ट्वेल्थ के बाद सीधा कॉरेस्पॉन्डेंस से बीए की। साथ साथ मैंने कोचिंग ली एसएससी की, एचएसएससी की, शायद आप में से काफी सारे पर्सन ले रहे होंगे उस कोचिंग को। क्यों ली? क्योंकि जल्दी से फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना था, जल्दी से जॉब लगनी थी ताकि उनको मैं सपोर्ट कर पाऊँ, है ना, क्योंकि हालात इतने अच्छे नहीं थे। बट आपको तो पता है आज के टाइम में मार्केट में क्या चल रहा है, कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि मेहनत करने वाले भी नहीं लगते, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले भी नहीं लगते, किस्मत वाले लगते हैं, क्योंकि सीट्स ही इतनी है, लाखों लोग पेपर देते हैं बट सैकड़ों लोगों का भी नंबर नहीं आता। आपको पता है जॉब्स के अंदर क्या होता है। बट मैं उन लोगों को बेवकूफ कहना चाहूंगा यहाँ पे जो टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे। रीजन एक्सपीरियंस लिया है भाई मैंने, है ना, 2 साल तक मैंने क्या सीखा है, 2 ढाई साल में यहां से मैंने क्या सीखा है, एक्सपीरियंस लिया है, हर चीजों को ऑब्जर्व किया है। कैसे? अगर मैं आज से 2 साल पहले इस Win23 कम्युनिटी को प्रदीप सर से नहीं मिलता, अगर मैं इस बिजनेस को नहीं समझता, तो क्या पता आज भी मैं बेरोजगार होता, या क्या पता मैं आज भी कोचिंग ले रहा होता, स्टडी कर रहा होता, या कुछ ग्रेजुएशन कर रहा होता, मास्टर्स कर रहा होता। मैं ये मानता हूँ 100% में वही चीज कर रहा था, क्योंकि जो मेरे साथ ऑलरेडी कर रहे थे 2 साल पहले, जिन्होंने मेरी बात नहीं समझी, अंडरस्टैंड नहीं किया इस बिजनेस को, वो आज भी वही चीज कर रहे हैं, दे आर अनएम्प्लॉयड, समझ रहे हैं। तो बिजनेस के बारे में समझा, अंडरस्टैंड किया कैसे, जब होता ना भाई 1-2 साल 2-3 साल फैमिली का पैसा लगा के कोचिंग लेके पढ़ के नौकरी नहीं लगती है, तो एक मन में एक गिल्टी फील होता है कि यार फैमिली के पास इतना बैकअप भी नहीं है, वो भी इतना फिर भी हमें पढ़ा रहे हैं, इतना सब कुछ हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए। तो एक दिन मैं घर के अंदर ऊपर खड़ा था, सेकंड फ्लोर पे खड़ा था, तो मैं सोच रहा था कि यार इतने पैसे लगा दिए, कुछ नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा, क्या करें क्या करें। तो एक मेरे फ्रेंड थे जो मेरे सीनियर है, मिस्टर सचिन सर, मैंने उनको देखा, भाई कुछ बता मुझे, कुछ करना है यार, फैमिली से पैसा नहीं लेना। होता है ना भी एक एज जिस एज में हमें खुद ही फील होता है कि यार अभी हमें फैमिली से पैसा नहीं लेना चाहिए, अभी हमें खुद के दम पे सब कुछ करना चाहिए, फैमिली से 1 रुपया भी नहीं लेना चाहिए। तो उस एज के अंदर मैं कुछ सोच रहा था कुछ करने के, तो मैंने एक फ्रेंड से पूछा, मेरे क्लासमेट्स थे वो, कि भाई मुझे कुछ पता जिससे मैं खुद का खर्चा खुद निकाल पाऊं, खुद सब कुछ कर लूं। तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, मैं आऊंगा तेरे पास तो समझा दूंगा। मैं बोला भाई क्या काम है ऐसा, कुछ बता हमें भी। उन्होंने बोला कि कोई नहीं, मैं कॉल पे, तेरे को समझ में नहीं आएगा, मैं तेरे को ऐसे ही अंडरस्टैंड करा दूंगा। हमारे बीच काफी सारे पर्सन भी होंगे जिन्होंने, आपने भी बोला होगा कि यार कॉल पे नहीं, मैं तेरे को मिलकर समझाऊंगा, या तू ट्रेनिंग लगा तब तेरे को समझ में आएगा। तो उनसे मैं मिला, जब मैंने इस बिजनेस को देखा तो मेरे मन में एक चीज क्या आई, एक कंफ्यूजन क्या आया कि तू वो है नेटवर्क मार्केटिंग है, बंदे जोड़ने वाला काम है, प्रोडक्ट बेचने वाला काम है, ये है वो है, बहुत सारी नेगेटिविटी शायद आपके मन में भी आई, अरे तो वही काम है, पैसे लेने वाले भाग जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बंदे जोड़ने पड़ेंगे, प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे, पैसे लगाने पड़ेंगे, ये बहुत सारे मन में डाउट्स आए, और उन डाउट्स ने क्या किया, मुझे बहुत नेगेटिव कर दिया, इतना नेगेटिव कर दिया कि मुझे इस काम से नेगेटिव कोई चीज लगी ही नहीं उस टाइम, यार ये काम थोड़ी ना करूंगा मैं, तू ही कर ये काम, तू ही पागल बना लोगों को। बट आज मैं ये सोचता हूं कि यार मैं इस बिजनेस में आया तो, लेकिन जिन लोगों को मैं इस बिजनेस में लेके आया ना, वो भी मेरे साथ लाखों रुपया कमा रहे हैं महीने के, अब वो मुझे दुआएं दे रहे हैं, अब दुआएं दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। बट उस टाइम मेरे को लगा कि यार ये तो गलत काम है, खुद भी फंसूंगा औरों को भी फंसाना, मतलब ये चीजें नेगेटिविटी आई। बट फिर सर ने बोला, सीन सर ने बोला कि भाई देख, अगर तू मेरे ऊपर विश्वास करता तो मेरे साथ सीख ले इस काम को, करना ना करना तेरे ऊपर डिपेंड करता है, तू इस काम को सीख ले, समझ ले, अंडरस्टैंड कर। क्योंकि देखो कोई भी चीज को हम इग्नोर क्यों करते हैं, कोई भी चीज को हम साइड में क्यों छोड़ते हैं, पता है, क्योंकि या तो हमें उस चीज के बारे में प्रॉपर पता है और हमें पता है कि इसमें रिजल्ट नहीं मिलने वाले, पहला पर्सन ये हो सकता है, पहला कृष्ण ये हो सकता है, सेकेंड, या हमारे मन में उस चीज के लिए नेगेटिविटी है, नॉलेज नहीं है,
नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी कहाँ से आई, लोगों ने हमें दी, हमें नहीं पता कि इस बिजनेस में क्या है, बट लोगों ने हमें बताया उस चीज का ही हमें एक्सपीरियंस है, उस चीज के लिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं। सेकंड सेकंड चीज 90% लोगों के मन में आती, मेरे मन में भी आई थी, क्योंकि फैमिली ने, फ्रेंड्स ने, रिलेटिव ने, काफी सारे लोगों ने इन चीजों को किया था, इन कंपनियों को किया था, बट रिजल्ट नहीं मिले। तो मेरे मन में क्या था, नॉलेज ना होने की वजह से उनका एक्सपीरियंस मेरे माइंड में था कि यार उनका कुछ नहीं बना तो मेरा कैसे बन जाएगा इन कामों में, है ना। बट मैं गलत था। गलत क्यों था, क्योंकि देखो इस दुनिया के अंदर है ना हर एक इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है, बट हर एक इंसान हो भी नहीं पाता, राइट प्लेटफॉर्म, राइट मेंटर, राइट गाइडेंस ना मिलने की वजह से। लेट्स सपोज आप और हम हैं कहीं पे आईएएस की कोचिंग ले रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट, हम 100 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास के अंदर। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अगर सेम टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, सेम बुक्स हमें मिल रही हैं, सेम सेम होल हमें मिल रहा है पढ़ने के लिए, सेम प्रोजेक्टर है, सेम लर्निंग है, बट क्या लगता है कि 100 के 100% जो उस होल के अंदर बैठे हैं, जो उस क्लास के अंदर बैठे हैं, 100 के 100 आईएएस बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। लो ऑफ रेशियो, सक्सेस रेशियो हर जगह 100% नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट होता है। क्या पता उनमें से एक बने, क्या पता उनमें से दो बने, क्या पता उसमें तीन बने, क्या पता कोई भी ना बने, क्या पता 50 भी बन जाए, राइट और रॉन्ग। तो जरूरी नहीं है कि स्कूल के अंदर जितने भी क्लास के अंदर बच्चे बैठे हैं वही सभी सक्सेसफुल हो, नहीं, हर जगह रेशियो अलग अलग होता है। जरूरी नहीं कि एक इंसान ने बिजनेस स्टार्ट किया उसका चल पड़ा, दूसरे ने किया उसका भी चल पड़ा, नहीं, 100% रेशियो इस दुनिया के अंदर किसी भी काम में नहीं है। एक पर्सन ने बोला, सर मैं इसमें कामयाब नहीं हुआ, तो सर मैं इन्वेस्ट बिजनेस तो स्टार्ट कर लूंगा, 2CC कर लूंगा, सब कुछ कर लूंगा, बट मैं सर इसमें कामयाब नहीं हुआ। तो मैं बोला भाई बहुत बढ़िया, मैं बोला तू पढ़ा है? बोला सर मैंने पढ़ा हूँ। मैं कहाँ तक पढ़ा है? बोला सर ग्रेजुएशन की है मैंने। कौन से स्कूल में पढ़ा है? सर बहुत बढ़िया स्कूल था, सबसे महंगे स्कूल में पढ़ा हूँ, मेरे पापा ने पढ़ा है। तो महंगे स्कूल से तूने, महंगे कॉलेज से तूने ग्रेजुएशन भी की होगी? बोला यस सर। कितने पैसे लग चुके थे स्टडी के ऊपर? सर मिनिमम लग चुके हैं 10 से 15 लाख रुपए स्टडी के ऊपर ग्रेजुएशन तक। तो मुझे एक बात था, जिस टाइम तू पैसे लगा रहा था स्टडी पे, जिस टाइम तू स्टडी कर रहा था, पैसे लग रहे थे तेरे, क्या उस टाइम तेरे को 100% गारंटी थी क्या तू अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएगा? बोला सर नहीं। तो तूने पैसे क्यों लगाए फिर वहां पे? समझ रहे हो आप? तो आज तक जो हमने किया है हमें ही नहीं पता कि हम आने वाले टाइम में सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, बट मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर ट्रेनिंग लगाते हो, अगर आप सभी सीनियर्स की ट्रेनिंग्स को फॉलो करते हो, 100% यहां पे आपको कामयाबी मिलेगी। तो देखो स्टार्टिंग कैसे ही मैंने समझा, अंडरस्टैंड किया, सर ने बोला कि ट्रेनिंग लगा भाई, ट्रेनिंग के बाद ही समझ में आएगा। तो उस टाइम है ना ऑफलाइन ट्रेनिंग्स होती थी, ऑफलाइन सब कुछ होता था। तो ऑफलाइन ट्रेनिंग होती थी तो मैं सर के पास गया, उस टाइम प्रदीप सर आए थे ट्रेनिंग देने। तो होता ना भाई, हम जैसे कि मैथ्स के क्लासेस लगाते हैं तो हमें पढ़ाता है सामने वाला, हम अच्छे समझते हैं तो हमें समझ में आता है, अगर हम इग्नोर करते तो हमें समझ में नहीं आता, हम हमारा ध्यान बाहर है तो हमें समझ में नहीं आता। तो ऐसे ही सेम टू सेम चीज मैं सर को इग्नोर कर रहा था। सर बोल रहे कि मैंने 1.5 साल के अंदर मैंने इनकम को 1.5 लाख क्रॉस किया, मैंने स्कोडा रैपिड यहाँ से 14 लाख रुपए की गाड़ी ली, तो मैं इग्नोर कर रहा था, क्योंकि हमारी जो थिंकिंग होती है ना 20-30 हजार रुपए पे होती है। और जब हमारी एज का पर्सन हमारे सामने ये बोलता कि मैं 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं करता। लाइक अगर एक लैपटॉप के अंदर अगर हार्ड डिस्क 1000 GB की है, उसके अंदर हम 1500 GB डाटा घुसाएं तो करप्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसे ही अगर सोच 20 हजार की है, अगर 2 लाख रुपए कोई बोल रहा है महीने कमाने का, तो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता हमारा माइंड, आपका भी माइंड नहीं करेगा। तो सेम टू सेम चीज, और इसका रीजन क्या है, अगर एक 20 हजार रुपए कमाने वाला इंसान, 20 हजार रुपए की सोच रखने वाला इंसान महीने में कितना कमा, साल में कितना कमा लेगा, 2,40,000, 40 साल में कितना कमा लेगा, 80 से 90 लाख रुपए। जब हम करोड़ों रुपए, लाखों रुपए महीने का, पूरी जिंदगी का नहीं सोच रहे, तो हम महीने का कैसे सोच लेंगे? फिर सर ने रोल्फ क्लिप के बारे में बताया, आपने
सुना होगा, जो हमारे फॉरएवर के टॉप अर्नर हैं जो 6 से 7 करोड़ मंथली कमाते हैं, फिर माइंड बिल्कुल भी सेट नहीं किया। जब हम लाखों करोड़ रुपए साल पूरी जिंदगी का नहीं सोच रहे तो हम महीने कैसे सोच लेंगे, ये रियलिटी है। तो ऐसे ही माइंड ने सेट नहीं किया, बट कुछ करना था, मजबूरी थी भाई। समझा समझा कैसे हो रहा है ये सारा कुछ, तो मैंने देखा, समझा, एक्सेप्ट किया, अंडरस्टैंड किया, प्रूफ्स देखे, तो मुझे विश्वास लगा। मेरा माइंड है ना शोक में चला गया, मुझे नींद नहीं आई 3 3 4 4 दिन तक। मतलब यार, एक इंसान पढ़ता है लिखता है, हमारी फैमिली में हमारी सोसाइटी में 50 40 40 साल हो गए रिटायर्ड होने की एज पे हैं, वही 50 60 हजार तक पहुंचे हैं, और ये इंसान 9 महीने में लाख रुपए पहुंच गया, वो भी 16 हजार से। हाउ इज दैट पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे हुआ, डाउट है। तो नींद नहीं आई, तो मैंने क्या किया इसके बारे में, और स्टडी की। स्टडी की तो पता चला बड़े बड़े लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इंस्पेक्टर्स, सिविल सर्विसेज, जितने भी बहुत बड़े बड़े लोग इस बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, और ये तो लाख कुछ नहीं है, यहाँ पे करोड़ रुपए भी लोग कमा रहे हैं। बट क्या लगता है, अगर वही चीज मैं अपनी फैमिली को बताता, मोटिवेट तो हुआ मैं, सर का चेक देख के गुब्बारा फूल गया, मोटिवेट हो गया, गुब्बारा फूल गया, मोटिवेट हो गया, घर पे गया, बोला मम्मी को लाख रुपए कमाएंगे, बढ़िया घर होगा, बढ़िया गाड़ी होगी, घर वाले चौंक गए, घर वाले बोल गए फंस गया कहीं ना कहीं, फंस गया कहीं ना कहीं। तो जो फूला हुआ गुब्बारा था उसके अंदर सुई चुभो दी, आपके अंदर भी चुभ गई होगी। जब आपने बिजनेस देखा, समझा, अंडरस्टैंड किया, फैमिली को शेयर किया, फ्रेंड को शेयर किया, किसी ने लात मारी हो, किसी ने बोला हमने भी करके छोड़ दिया, किसी ने बोला होगा भाई कुछ आयदा फायदा नहीं है, सुई चुभोई। ऐसे ही मेरे फुले हुए गुब्बारे में, मोटिवेशन गुब्बारे में सुई चुभो दी, और सुई चुभो के बाद फट गया। वो फटा हुआ गुब्बारा को पता कैसा पड़ा होता है ना, आपने देखा भी होगा, जब गुब्बारा फट जाता है तो कैसा लगता है। तो ये हालत हो गई थी, नेगेटिविटी आई, वहां से पॉजिटिविटी आ रही, वहां से नेगेटिविटी आ रही, वहां से पॉजिटिविटी आ रही, वहां से नेगेटिविटी आ रही। बट मैंने इसको समझा, अंडरस्टैंड किया खुद के दम पे, किसी से मैंने राय नहीं ली, और राय लेनी भी नहीं चाहिए। जिस फील्ड के अंदर आप कामयाब होने की सोच रहे हैं, जिस फील्ड के अंदर आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, अगर आपको उस फील्ड के अंदर सच में ही कामयाब होना है 100%, आपको उसी फील्ड के पर्सन से ही रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, उसी पर्सन के से आपको गाइडेंस लेनी पड़ेगी कि मैं यहाँ पे कैसे काम कर सकता हूँ। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप इंजीनियर से पूछेंगे, आपको इंजीनियर बनना है तो आप डॉक्टर से पूछेंगे, आपको नौकरी करनी है तो आप बिजनेसमैन से पूछेंगे, आपको बिजनेस करना है तो क्या आप नौकरी वाले करने से पूछेंगे, आपको लाख रुपए कमाने के आप 10 हजार रुपए कमाने वाले से पूछेंगे। और सबसे बड़ी गलती यही होती है, हमें कमाने लाखों रुपए हमें चाहिए रोजगार, हम पूछते हैं बेरोजगार लोगों से। मैं ट्रेनिंग लगा के आया, बाहर एक रेडी वाला खड़ा था, बोला भाई कुछ नहीं होने वाला, भाई तू 10 हजार रुपए कमाया तो कमा लेना, तू हमें बताया कि लाख रुपए कैसे आते हैं। तो हम उनकी बात मान लेते, वो सबसे बड़ी नाकामी का कारण यही बनती है कि हम उन लोगों से राय लेते हैं जो उस चीज को समझते ही नहीं है, ना ही समझी, ना ही कभी की, ना ही उन्होंने इस चीज को अंडरस्टैंड किया, ना ही उन्होंने ये काम किया। और इसी चीजों की वजह से हम अपने माइंड के अंदर विचार लेके आते हैं, उसी विचार से हम अपनी फीलिंग लेते हैं, फीलिंग से हम एक्शन लेते हैं किस चीज की तरफ, नेगेटिविटी की तरफ। और नेगेटिविटी सोच के कभी भी इंसान कामयाब नहीं हो सकता। सर आपने समझा भी होगा, आपके सामने दो चीजें हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। हर एक इंसान बोलता है पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। बट अगर सोच के देखो, नेगेटिविटी सोच के हम कभी कामयाब हो सकते हैं, नहीं हो सकते। बट फिर भी आप फैमिली की, फ्रेंड्स की, रिलेटिव्स की बातें अपने मन में लाते हो, और हम सोचते हैं ये काम तो चलेगा ही नहीं। भाई एक बात बताओ यार, प्रदीप सर 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, मैं 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव में कोई कमा रहा है? नहीं कमा रहा। तो हम उसकी उनकी बात कैसे मान सकते हैं जब हमें लाख रुपए कमाने हैं, तो वो अगर 50 हजार रुपए कमा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। मैं भी अपनी फैमिली से पूछ रहा था, फैमिली हंस पड़ी, नेगेटिविटी किया। क्यों किया? क्योंकि मुझे उनको ये बात बोलनी ही नहीं थी, क्योंकि उन्हें नहीं पता तो हम कैसे कर सकते। बट विश्वास बना, अंडरस्टैंड किया, स्टार्टिंग की। काफी सारे पर्सन सोचते हैं कि ये तो बने बनाए थे, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, कोई बना बनाया नहीं होता यहाँ पे, समझ रहे हो? कोई बना बनाया नहीं होता, हर किसी ने यहाँ पे मेहनत की है, हर किसी ने यहाँ पे स्ट्रगल किया है, समझ रहे हैं आप?
ये आप देख सकते हैं, ये बीच में मैं हूं, साइड में प्रदीप सर हैं, देख पा रहे हैं आप। हमने भी इस बिजनेस की ऐसे स्टार्टिंग की है जैसे आप करने जा रहे हो, जैसे आपने की। इस टाइम है ना काफी सारे प्रश्नताओं क्या करते हैं, सर प्लानिंग मिल चुकी है, 2CC कैसे करेंगे, कैसे टर्नओवर जनरेट करेंगे। अगर इंसान को सच में कामयाब होना है ना, तो वो किसी चीज को नहीं मानता, उसके सामने हर एक चीज एक्सक्यूज होती है अगर उसको नहीं करना। कामयाब होने के लिए सिर्फ एक रीजन चाहिए, और ना कामयाब और नहीं करने के लिए 100 बहाने भी कम पड़ सकते हैं आपके, समझ रहे हो। तो मुझे पता था अगर मैंने ये काम नहीं किया तो ऐसे ही लाइफ चली जाएगी, और जिंदगी एक ही मिली है, और जिंदगी को मैं बोलता हूं पटाखा, कल फट जाए, 2 घंटे बाद फट जाए, 3 दिन बाद फट जाए, महीने बाद फट जाए, साल बाद फट जाए, पता थोड़ी है। और जब फट गई तो सोच के देखो क्या मिला, है ना, फट गई फिर क्या मिला, कुछ भी तो नहीं। फिर ऊपर जाके बोलना यमराज को, सर यमराज जी हमने तो कुछ किया भी नहीं, हमें दोबारा भेज दो, वो नहीं भेजेंगे आपको जिंदगी में अपने सपने पूरे करने के लिए। इसी जिंदगी में आपको सब कुछ करना पड़ेगा, और करोगे तभी जब विन 23 के अंदर जितनी भी आपको ट्रेनिंग्स मिल रही, जितनी आपको सीनियर्स आपको बता रहे हैं उनकी आप बात माने, क्योंकि वो कामयाब है, क्योंकि वो ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जैसे आप जीना चाहते हो। अगर आप जैसी जिंदगी जीना चाहते हो तो आप उसी इंसान से पूछोगे ना जो जैसे वो जिंदगी जी रहे हैं, तो यहाँ पे जी रहे हैं ना, तो आप उन्हीं की सुनो, फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव की सुन रहे हो भाई। काफी सारे बोलते हैं सर स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं, काम नहीं हो रहा। भाई हमने भी किया था, ऑफलाइन करते थे आप, आज तो आप है ना एक जगह बैठ के ट्रेनिंग्स ले रहे हो, एक जगह बैठ के न्यूट्रिशन कर रहे हो फेसबुक। उस टाइम हमें नहीं पता था, 2 साल पहले हम सारा कुछ ऑफलाइन करते थे, ऑफिस क्या है, कोई जा रहा है उसको हम बताते थे बिजनेस ये है, हम शेयरिंग करते थे, समझ रहे हैं आप। 10 लोगों को बताते थे, 10 के 10 मना कर देते थे, 20 लोगों को बताते थे, 20 के 20 लोग मना कर देते थे, बट हमने कभी हार नहीं मानी। बहुत हारे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फेस की, बहुत ज्यादा हारे हैं, बट कभी भी है ना हिम्मत नहीं आ रही अंदर से, जुनून कभी भी मेरा खत्म नहीं हुआ, समझ रहे हैं आप। काफी सारे प्रश्न आते हैं, 2 लोगों को शेयर करते हैं, 3 लोगों को शेयर करते हैं, 4 लोगों को बताते हैं, सर कोई भी नहीं बिजनेस कर रहा, सर कोई भी नहीं आ रहा। अरे भाई उनको कामयाब करने के लिए कर रहा है या तू खुद को कामयाब करने के लिए कर रहा है, किसके लिए कर रहा है बिजनेस, खुद के लिए कर रहा है, पेरेंट्स के लिए कर रहा है, क्या पेरेंट्स के लिए तू 50 नाम भी नहीं सुन सकता। नेगेटिविटी आएगी, नेगेटिव वाइब्स आएंगी, मना करेंगे, एक लहर आएगी मना करने की, उस लहर के अंदर टिक गया फिर हाँ की लहर आती है, फिर आप जिसको बोलोगे, जिसको आप नहीं भी बोलोगे वो भी बोलेगा भाई हमें आपको बिजनेस करना है, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको जो प्लेटफॉर्म भेजा है ना, ना तो मैं आपको बताता हूं, ना तो मैंने आपको भेजा, ना जिसने आपको ये लिंक शेयर किया ना उसने भेजा, ऊपर वाले की मर्जी है कि आप अमीर बनो, अपनी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, क्योंकि 90% लोगों की लाइफ में कभी भी फॉरएवर नहीं आएगी। अगर आपको ऊपर वाले ने चुना है तो कुछ सोच समझ के चुना होगा, अगर आप ऊपर वाले की बात नहीं मान रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, तो क्या लगता है भगवान आपको कोई ऐसी दूसरी चीज भेजेगा, नहीं भेज सकता। हुआ क्या, एक आइसक्रीम स्टॉल वाला खड़ा था, तो एक बच्चा क्या करता है, बच्चा बोलता है अंकल को, अंकल जी आइसक्रीम चाहिए। अंकल जी आइसक्रीम लगा के ऊपर फोन, आइसक्रीम दे देते हैं बच्चे को। तो बच्चा क्या कर रहा है, ऐसे खा रहा, हिला हिला के, और अंकल को लग रहा है भाई गिराएगा। उसने गिरा दी, उसने क्या किया, उसको उनको गिरा दिया। तो क्या लगता है वो दूसरा कौन उसको देगा उसके ऊपर डाल के, नहीं, जब भाई तेरे से पहला ही नहीं संभला तो दूसरा कैसे संभाल लेगा तू, जब तेरे तेरे को हमने दिया था प्लेटफॉर्म,
है ना। अब ऊपर वाले को बोलोगे जिंदगी में मुझे कुछ भी, तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आपने ऊपर बुला लिया हमें, तो ऊपर वाला बोलेगा भाई दिया तो था, विंटर 23 आई तो थी, फॉरएवर आई तो थी, तूने नहीं समझा, उसी से ही तू सपने पूरे कर सकता था, बट तूने नहीं समझा, इग्नोर कर दिया। किसकी वजह से? फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव की वजह से। उन्हें नॉलेज नहीं है, फैमिली कभी बुरा नहीं चाहती, वो सोचती है कि मेरा बच्चा काम है, बट उन्हें नॉलेज नहीं है यार इस प्लेटफॉर्म की। और रिलेटिव तो आपको पता ही है, और उससे पड़ोसी तो आपको पता ही है, वो कभी भी नहीं चाहते कि ये घर ऊपर जाए, फिर भी आप उनकी बातें सुनते हो। भाई क्यों? काम है आपको होना, अपनी फैमिली के लिए करना, करो। उनकी बातें सुनते क्यों? बहुत मेहनत की, बहुत रिएक्शन झेले, बहुत कुछ किया। फर्स्ट टाइम 4 CC हुई मेरी, इनकम 12,000 रुपये आई पहले महीने, नवंबर 2019 की बात है कि मेरी इनकम 12,000 रुपये थी। और मेहनत की, और यहाँ पे आप देख रहे हो आयुष सर, ज्योति सारे आप देख रहे हो, सचिन सर, गौरव सर सभी हैं यहाँ पे, है ना। और मेहनत की, 3 मंथ्स में मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया। हिम्मत नहीं आ रही, सुपरवाइजर लेवल मेरा 2 बार रुका, एक बार 8 CC से, एक बार 9 CC। बट जितनी बार भी प्रॉब्लम्स आई ना, मजबूत बने अंदर से, मजबूत। कुछ लोग क्या करते हैं, टूट जाते हैं। हमारे बड़े, बहुत बड़े सीनियर हैं मिस्टर मनदीप कमोज सर, जिनकी इनकम आज बहुत ज्यादा है, 10-15 लाख रुपए मंथली है, फायर मैनेजर है। उनको उनका एक क्यूट है, बहुत ही वंडरफुल क्यूट है। वो क्या बोलते हैं, टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। उनका क्यूट ये है कि जब प्रॉब्लम्स आती हैं, जब रिजेक्शन आते हैं, जब मुसीबतें आती हैं, तो बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग खत्म हो जाते हैं, उसको सोचते हैं भाई कुछ होगा ही नहीं। बट कुछ लोग उसी सिचुएशन में रिकॉर्ड ब्रेक कर देते हैं, रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है, जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो आपके पास 2 रास्ते होंगे, तो उन प्रॉब्लम से भागो, या उन प्रॉब्लम्स को ऐसा सॉल्यूशन करो कि वो जिंदगी में वो प्रॉब्लम ना आए आपके पास, रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले माइंडसेट। बहुत मेहनत की, इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, इतनी पर्सनैलिटी डेवलप हुई, लाखों लोग बिजनेस स्टडीज के लिए करोड़ों रुपए लगा देते हैं, लाखों रुपए लगा देते हैं, बट उनके अंदर ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होती। बट यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा, फिर भी इतनी पर्सनैलिटी डेवलप हुई कि 500-500 लोगों के सामने मैंने सुपरवाइजर लेवल पे ट्रेनिंग दी है। आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है, हार कैसे मान लो यार, जब जीत का इंतजार मेरी माँ कर रही है। देख पा रहे हैं आप, इतना कुछ अपग्रेड किया। बाहर चलते चलते ठीक, 1 साल के बाद मैं मैनेजर बना, और मैनेजर बनने के लिए काफी सारे पर्सन को स्ट्रगल भी आया, काफी सारे इस मीटिंग के अंदर सुपरवाइजर्स होंगे, एएम भी होंगे, असिस्टेंट मैनेजर भी होंगे, असिस्टेंट सुपरवाइजर भी होंगे, नो कस्टमर भी लेवल पे होंगे। जिस टाइम मेरा मैनेजर होता, उससे 2 महीने पहले मुझे कोरोना हुआ, और वो भी 2 बार, एक बार ठीक हुआ, फिर से हुआ कोरोना। बट हार नहीं मानी, मैंने एक चीज सोची थी, अगर मैं कुछ बढ़िया करने जा रहा हूँ, तभी ऊपर वाला मेरी लाइफ में प्रॉब्लम भेजेगा, और मुझे उस चीज का एहसास था, तभी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आई, कोविड हुआ। बट मैंने कभी भी हिम्मत नहीं आ रही, एक एक हाथ में मेरे ग्लूकोज थी, एक हाथ में मेरे मोबाइल था, समझ रहे हो आप, यहाँ से कॉलिंग हो रही थी, यहाँ पे ग्लूकोज चढ़ रही थी, हिम्मत नहीं आ रही, डट के उसका सामना किया और मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने के बाद तुरंत मेरी इनकम 1,29,000 रुपये हुई, पहले इनकम, सेकेंड इनकम 1,41,000 रुपये, ऐसे ऐसे इनकम मेरी ग्रोथ हुई, समझ रहे हैं आप। और आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे हमने बॉक्सेस उठाए हैं प्रोडक्ट्स के, आप देख रहे होंगे थर्ड साइड, ये मैं हूं, ये मोहन जी हैं, ये सागर सर, मतलब बहुत स्ट्रगल किया है। ये जो आप देख रहे हो ना लाइफस्टाइल एंजॉयमेंट, ये ऐसे नहीं हुआ, ये चीज करने के बाद होता है। अगर ये चीज आप कर सकते हो, तो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगी। एक सीनियर हैं, बोलते हैं कि आप है ना सक्सेस कॉपी मत करो, आप हार्ड वर्क कॉपी करो।
आप सक्सेस कॉपी मत करो, आप हार्ड वर्क कॉपी करो। अगर आप हार्ड वर्क कॉपी करते हो तो आपको सक्सेस उस इंसान से ज्यादा मिलेगी जिसको वो मिली हुई है। देख पा रहे हैं आप? एंड 21st मार्च को मैंने यहां पे खुद के दम पे स्कोडा स्लेविया परचेज की 18 लाख रुपए की, वो भी 22 साल की एज में। पावर किसकी है? इस प्लेटफॉर्म की। अगर बाहर मैं पूरी जिंदगी मेहनत करता ना तो ही मेरी इनकम 50,000-60,000 रुपए नहीं पहुंच पाती, और ये कार तो मैं सपना नहीं सोच सकता। बट यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म की पावर है जिसने मुझे इतना काबिल बनाया कि मैं इस एज के अंदर इतनी बड़ी कार ले इसका। तो ये चीज आपके लाइफ में भी आएगी, समझ रहे हो? ये चीज आपके लाइफ में भी आएगी। आज अचीवमेंट करके कैसा लग रहा है? बहुत मेरे को फील हो रहा है। एक टाइम पे 2 साल, आज से लगभग ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 साल हुए, एक सपना सुन रहा था कि लाइफ में कुछ करना है, अमेजिंग करना है, बट कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म भी नहीं थी। तो जब ऑनलाइन बिजनेस की पावर पता चली, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में पता चला, तो इसके ऊपर काम किया, मेहनत की, स्ट्रॉन्ग माइंड सेट के साथ, स्ट्रॉन्ग बिजनेस के साथ काम किया, और रिजल्ट आपके सामने। और स्टार्टिंग कैसे हुई आपकी? स्टार्टिंग बिल्कुल जीरो से हुई थी। एक हम्बल बैकग्राउंड है मेरा, एंड मिडिल क्लास फैमिली से, पापा मेरे फार्मर है। तो वही होता है कि अगर आपकी फैमिली में कोई एक इंसान होता ही है जो मिडिल क्लास की दीवार को तोड़ता है, तो क्या पता भगवान ने मौका मुझे दिया है। और जब आपने शुरू किया था, मेजर डिसीजन आपने खुद लिया था या लोगों से पूछा था? देखो, कोई भी इंसान आज के टाइम में सक्सेसफुल है, वो मैंने देखा 99% लोग आज के टाइम जितने भी सक्सेसफुल लोग है ना, वो खुद का डिसीजन खुद लेते हैं। अगर आप दूसरों के बनाए हुए डिसीजन पे चलेंगे तो हमारी लाइफ वैसी होगी जैसे दूसरे चाहते हैं, और हम खुद का डिसीजन खुद लेंगे तो हमारी लाइफ वैसी होगी जैसे हम चाहते हैं। आपने डिसाइड करना है कि आपकी लाइफ आपकी तरह होनी चाहिए या सोसाइटी की तरह होनी चाहिए। सो अगर ये वीडियो आने वाले टाइम में कुछ नए पार्टनर्स बनेंगे तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो, जो भी पर्सन आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में बताता है, फॉरएवर बिजनेस के बारे में बताता है, तो उसका अपने आग बंद करके विश्वास करना है। क्योंकि मैंने भी आज से 2 साल पहले आग बंद करके विश्वास किया था, और एक स्ट्रॉन्ग बिलीव था मेरे अंदर कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। उसी के ऊपर मैंने काम किया, हार्ड वर्क किया, स्ट्रगल हुआ, सैक्रिफाइस हुआ। हर किसी की लाइफ में होता है, हर जगह पे होता है, बट कहीं पर रिजल्ट कुछ है, कहीं पर रिजल्ट कुछ है, बट यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही वंडरफुल मिलेंगे। आज अचीवमेंट करके कैसा लग रहा है? बहुत अमेजिंग। तो आप देखना चाहोगे लाइफस्टाइल कैसे यहाँ पे कन्वर्ट होती है? काफी सारे पर्सन बोलते हैं सर पे आउट दिखाओ, आपको मैं थोड़ा सा और कुछ दिखाना चाहूंगा। मतलब इतना माइंडसेट यहाँ पे मेरा डेवलप हुआ ना कि मतलब आप देख सकते हो कितने सारे लोगों के सामने मैंने काफी सारे पर्सन के मन में डाउट होता है कि सर पे आउट्स, तो आपको दिखा देता हूँ अर्निंग। मैं सुपरवाइजर लेवल का पे आउट है 65,000, आप देख सकते हैं क्रेडिट वर्क एसबीआई बैंक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा 1,29,000 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट दिखाना चाहूंगा मैं आपको 1,41,000 रुपए, टीडीएस कटा 7,000 रुपए का, अकाउंट में 1,34,000, कितनी तारीख को? 13 अगस्त। कंपनी इतनी जेन्युइन है ना कि 43 ईयर्स के अंदर कंपनी का पैसा कभी भी 15 से 16 नहीं हुआ है। मैं तो 15 आया, 15 से पहले आ जाए, समझ रहे हैं?
उस टाइम मैं मैनेजर बनाते थे तो 17,000 से 68,000, 68,000 से 1,29,000, मतलब इतनी ग्रोथ पूरी जिंदगी में नहीं मिलती बाहर, जो यहाँ पे हमने सिर्फ 3 मंथ्स मिली है 70,000 पे इंक्रीमेंट हर महीने सिर्फ इसी बिजनेस के अंदर। पावर जितने पार्टनर इस मीटिंग के अंदर अभी लाइव है, आपको भी सेम टू सेम चीज करने का मौका मिलेगा, बट जिसने भी आपको ये लिंक बिजनेस शेयर किया है ना, जल्दी से इस बिजनेस को स्टार्ट करें, ठीक है। 10 तारीख को बहुत ही वंडरफुल ट्रेनिंग होने वाली है जिसके अंदर आपको सिखाया जाएगा, और वो ट्रेनिंग है ना बार बार नहीं होती, आपको पहले बता देता हूँ, 10 तारीख को बहुत ही वंडरफुल ट्रेनिंग होगी जिसके अंदर आपको सिखाया जाएगा। वो सिखाने वाले कौन है, हमारे फाउंडर जिनकी इनकम 9 से 10 लाख रुपए रहती है। सोच रहे हो तो इतने पैसे कमाने वाला तो सिखा ही सकता है ना, आप कैसे लाख रुपए कमा सकते हो, 20,000 रुपए कमा थोड़ी थोड़ी सिखाएगा। तो खुद सिखाएंगे कैसे आप 3 to 4 मंथ्स में अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हैं, कैसे आप 3 to 4 मंथ्स में अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हैं। बट वो सेशन उन्हीं के लिए होगा जिन्होंने अपना 2CC बिजनेस स्टार्ट किया होगा, जिसने अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर लिया होगा, जिसने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर लिया होगा। जल्दी से हरी अप, आप अपना लेवल क्वालिफाई करें, 2CC लेवल क्वालिफाई करें, ताकि आपको उस ट्रेनिंग के अंदर सीट मिले और आप भी बहुत ही कम टाइम में यहाँ पे मिलियनेयर बन पाओ। हमें टाइम लगा, हमें 9 से 10 महीने लगे, बट हम नहीं चाहते कि आपको भी इतना टाइम लगे, समझ रहे हो। तो हमने कैसा सिस्टम क्रिएट किया है, ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम क्रिएट किया जिससे आप बहुत ही कम टाइम में अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर सकें और अपने इनकम को 1 लाख क्रॉस कर सकें। तो जल्दी से उसके क्राइटेरिया क्या है, 2CC लेवल आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा और टेस्ट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिससे आप बिजनेस ग्रुप में ऐड होंगे, उसके बाद आपका 2CC क्वालिफाई होगा, उसके बाद आपको ट्रेनिंग की सीट मिलेगी। जल्दी से करें क्योंकि बहुत ही कम सीट रहेगी अपने पास। बाकी मेरे तरफ आपको विश विल द बेस्ट, जैसे आपको ट्रेनिंग ली इस मीटिंग इसका स्क्रीनशॉट लें इंस्टाग्राम का, इसको फॉलो करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें काफी सारे फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर। एंड सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स ही, मैं आपके लिए क्वेश्चन रखने वाला हूँ यहाँ पे, सीरियस कैंडिडेट्स ही स्टोरी के अंदर उस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें सीरियस पर्सन ही चाहिए, समझ रहे हैं आप। स्क्रीनशॉट ले और फॉलो करें और क्वेश्चन का आंसर करें। बाकी मैं तो विश ऑल द बेस्ट, सभी सक्सेसफुल हो, अपने मम्मी पापा के ड्रीम्स पूरे करो, क्योंकि देखो उनके पास यार इतना टाइम नहीं है, हमारे पास तो टाइम है, हम अपने पूरे कर सकते हैं, सपने पूरे कर सकते हैं अपने, बट उनके पास इतना टाइम नहीं है। उनके लिए आगे बढ़ो, अपनी मम्मी के लिए आगे बढ़ो, ठीक है, अपने पापा के लिए आगे बढ़ो, उनको ऐसी चीजें दिखाओ जो उन्होंने कभी देखी नहीं। और मुझे नहीं लगता कि इससे अलग प्लेटफॉर्म में आप वो चीजें कर सकते हो, बट वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क एंड टाइम लग सकता है, बट यहाँ पे इतना टाइम नहीं ले सकता। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट ट्रेनिंग में आप मिलते हैं।